व्यासपीठ निर्माण करून दिलेला आणि आनंद आहे की या ठिकाणी अशा प्रकारची मेहनत या ठिकाणी मॅक्स कुमारने घेतलेली आहे. आज अनेक तरुण असे आहेत की ज्यांना स्टेजवर येण्यासाठी धडपड असते परंतु त्यांना मार्गदर्शन नसतं. आज यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी मार्गदर्शन होतं. हॉरिझन डान्स अकॅडमी यांनी एक प्रयत्न केला आहे 4 वर्षामध्ये आणि आज बघा की 200 पेक्षा जास्त मुलं या अकॅडमीमध्ये आपला सहभाग घेतला आहे. त्यांनी स्वतःची कला स्वतःची ओळख निर्माण करायचा प्रयत्न करत आणि असे मोठे जे स्टार होतात ना ते असेच कुठेतरी छोट्या छोट्या स्टेजवरून मोठे पुढे जात असतात. आज आमच्या शुभेच्छा जे सर्व विद्यार्थ्यांना की आज त्यांनी एका लहानशा व्यासपीठावरून सुरुवात केलेली आहे. भविष्यामध्ये हेच मोठे आपले रायझिंग स्टार होतील. नवी मुंबईतलं या ठिकाणी उभरतं कलाकार होतील आणि पूर्ण नवी मुंबई नाही भारत नाही पूर्ण जगामध्ये त्यांचं नाव होईल अशी आम्ही त्यांना या ठिकाणी शुभेच्छा. हलके बारे में तो मैं बोलूंगा ही बट मैं सबसे पहले बोलूंगा हमारी टीम के बारे में जो टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उनके वजह से मेरा इवेंट हो पाया. अदरवाइज यू नो एवरीवन आप लोगों सबको पता है कि 21 में इवेंट करना कितना पॉसिबल मतलब कितना मुश्किल था. कोविड के वजह से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ था फाइनेंशियली भी और पेरेंट्स के भी थ्रू कि बहुत सारा चीज़ें आई थी बीच में. हमारा एक्चुअली इवेंट 10 मार्च को था आप लोग को शायद पता नहीं है. 10 मार्च से ये पोस्टपोन्ड होते 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 आज 26 नवंबर को आया है. तो आप समझ रहे हो इन बीच में जो मेरे पर जो हम लोग के ऊपर जो बीता होगा यू नो प्रेशर कि क्या हुआ इवेंट होने वाला है या फ्रॉड हो गया. बहुत सारे कॉम्पिटिशन वाले ने हम लोग को फीस पे किया था अरे तुमने हमारा पैसा खा गया वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ हुई थी. लेकिन मेरी टीम ने मेरा साथ दिया मेगा मैम ने मेरा साथ दिया हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और ये इवेंट सक्सेसफुल हुआ. और ताल में इस बार तो संजीव नायक साहब आए थे बाकी और गणेश नायक साहब भी आने वाले थे और संदीप नायक साहब भी आने वाले थे सागर नायक साहब भी आने वाले थे लेकिन उनको पॉसिबल नहीं हुआ. कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम कर लेंगे होता है इवेंट है उनको पॉसिबल नहीं हुआ किसी इवेंट में बाहर गए वो. और संजीव नायक साहब भी आए दो बार हम लोग के लिए अच्छी अच्छी बातें की हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन किया और हम लोग को आगे की तरफ बढ़ने के लिए सपोर्ट किया. जैसे हम लोग का कॉम्पिटिशन था हम लोग को आपको पता है देसी स्ट्रीट का खजाना हम लोग कॉम्पिटिशन करते हैं जिसमें जज थे हमारे पनवेलकर क्रू प्रतीक दादा और सिंधु नायर मैम एंड नितिन दादा. तो नितिन दादा ये फिल द बीट डांस अकेडमी स्टूडियो के फाउंडर है और प्रतीक दादा जो है ये पनवेलकर क्रू के फाउंडर है. सिंधु नायर मैम है ये सेलिब्रिटी के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर प्लस सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर है. तो ये सारे लोग को हम लोग बैठाते हैं और ये लोग हम लोग के एक कॉल पे आ जाते हैं बहुत बड़ी बात है. तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है. जैसे मैक्स ने आज बोला कि पूरा टीम का सपोर्ट था वैसे ही टीम का प्लस पेरेंट्स का सबका सपोर्ट था. और फर्स्ट थिंग तो आफ्टर लॉकडाउन 50 स्टूडेंट्स हमारे न्यू स्टूडेंट्स थे तो उनका स्टेज एक्सपीरियंस उन्होंने बहुत मतलब एंजॉय किया. हमारे लेडीज़ वगैरह सबका जैसे हर टाइम नावनी होता है गोली डांस होता है
किड्स हैं सो दैट सबने बहुत एंजॉय किया. वैसे ही मैक सर का बहुत सपोर्ट था, उनका टीम रॉक ऑन डांस कंपनी, उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया लॉकडाउन के बाद. ये अच्छा अलग ही वाइब था ताल फोर में, बहुत बहुत ताजुब की बात है कि एक तो पहली बात ये पहला इवेंट था आफ्टर लॉकडाउन आफ्टर पैंडमिक, ये पहला डांस इवेंट था. बाकी सब इवेंट्स होते आ रहे हैं नई मुंबई में, बट ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है. जैसा मेरे ख्याल से मैक्स ने बताया होगा आपको कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाया, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया उन दोनों बच्चों को ये चीज़ क्रिएट करने में. और इस जस्ट मतलब मेरे को हमेशा इनके लिए आना और इनके लिए परफॉर्म करना है, इनके लिए एंकरिंग करना इसलिए इतना पसंद है क्योंकि इनका जो तरीका है और इनका जो विजन है टूवर्ड्स डांसिंग, ये एक अलग तरीके का एनुअल शो करते हैं. मेरा नाम डॉक्टर शिवा मुडीगर है. मैं 4 ईयर से एवर ईयर ताल का एनिवर्सरी में आता हूँ. मेगा सोनावने और मैक्स दोनों हमारे अच्छे मित्र हैं. तो इनका बच्चे लोग का जो एकेडमी है, बच्चे लोग का जो प्रोत्साहन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका बढ़ावा देने के लिए हर साल मैं इनका साथ दे रहा हूँ.